हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिश एक्वेरियम इंडिया में। आज हम बात करेंगे ब्लू लाइन पोलर फिश के बारे में। फ्रेंड्स, जो ब्लू लाइन पोलर फिश है वो सिकलेट फैमिली से बिलोंग करती है। जो ब्लू लाइन पोलर फिश ये है, ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव फिश नहीं है, ये सेमी एग्रेसिव फिश है। इसको ये हमारे सिकलेट फैमिली के साथ में रह सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे ये फिश का ओरिजिन कहाँ से है। ये फिश जो है पैरेट फिश और जो कॉन्विक्ट सिकलेट है, इन दोनों का हैबिट है, हाइब्रिड फिश है। तो इसका कोई साइंटिफिक नाम नहीं है। ब्लू लाइन पोलर फिश है, पोलर पैरेट फिश है। ये फिश जो हमारे नॉर्मली एक्वेरियम्स में 3 to maximum 3 inch तक ये बड़ी होती है। मैंने भी पाली थी कि ये मैक्सिमम 3 inch तक ही बड़ी हुई, ज़्यादा बड़ी नहीं होती। जैसे पैरेट फिश है उसकी तरह ये ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, उसका साइज़ थोड़ा छोटा रहता है। ये जो फिश है वो ताइवान में हाइब्रिडेड की गई थी। जैसे कि आप जानते हैं, जो ब्लड लाइन पैरेट जो है वो सिकलेट गोल्ड सेवरम सिकलेट और मिंडाज से हाइब्रिड की गई थी। और जो ये ब्लू लाइन पोलर पैरेट फिश है, ये कॉन्विक्ट सिकलेट और जो और पैरेट सिकलेट से हाइब्रिड की गई है। इसलिए जो इस पैरेट का जो शेप है वो तो पैरेट जो हमारी नॉर्मल पैरेट है उस जैसा सेम है, और उसका कलर जो आया है इसका वो हमारा कॉन्विक्ट सिकलेट जैसा से मिलता जुलता है। आपने देखा होगा कलर में ये कॉन्विक्ट सिकलेट जैसी लगती है, और इसका मुंह जो है पैरेट जैसा है, जो हमारी पैरेट फिश है उसका जैसा है। अभी बात करते हैं इसके सेक्सुअल डिमॉर्फिकेशन के बारे में। तो जब ये जुवेनाइल एज में जब ये छोटी होती है तो इनका सेक्सुअल डिमॉर्फिकेशन करना थोड़ा मुश्किल होता है, पता लगाना मुश्किल होता है कि कौन सी मेल है कौन फीमेल है। जब ये बड़ी होती है, जो फीमेल जो होती है थोड़ा सा साइज में क्या होता है, जो प्लम्पर होती है, मतलब थोड़ा मोटी होती है जो साइज में, जो फीमेल होती है जो मेल की तुलना में। तो यही सबसे बड़ा इनका सेक्सुअल डिमॉर्फिकेशन है। मेल फीमेल का पता ऐसे से लगाया जा सकता है कि जो फीमेल होती है थोड़ा मोटी होती है, और जो मेल होता है थोड़ा मेल थोड़ा पतला होता है, उससे थोड़ा कम मोटा होता है। तो अभी हम बात करेंगे इसके केयर के बारे में, इसके लिए क्या क्या केयर करनी पड़ती है। तो अभी हम फीडिंग की बात करते हैं। तो फीडिंग में फ्रेंड्स, इसको देखिए, ये फिश ऐसी है, इसको कुछ भी खा सकती है, कुछ भी खिला सकते हैं, कोई भी फूड खिला सकते हैं। वो अच्छा थोड़ा प्रोटीन फूड होना चाहिए। तो कुछ भी जो नॉर्मल प्लेट्स है जो गोल्ड फिश और सबको खिलाते हैं, जो सिकलेट को आप खिलाते हैं, तो वो ये खाने में इसका कुछ ज़्यादा इतना वो नहीं है, कुछ भी खा सकती है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसकी ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ज़्यादा केयर की ज़रूरत इसको नहीं पड़ती है। तो बाकी टैंक सेट के लिए, साइज़ के लिए बात करते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा 2 या 3 feet तक का साइज आपको रखना चाहिए, थोड़ा बड़ा ही एक्वेरियम रखना चाहिए। तो और वाटर क्वालिटी जो है, इसकी वाटर क्वालिटी भी थोड़ा सा बार बार इसको फ्रिक्वेंटली इसमें वाटर चेंजेस की इस फिश को ज़रूरत नहीं होती है। इसको ज़्यादा वाटर चेंज करना पसंद नहीं है, तो फ्रिक्वेंटली आप अपने एक्वेरियम का वाटर इस फिश के लिए चेंज ना करें, तो फिर इसके लिए थोड़ा दिक्कत होती है, थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं। बिहेवियर मैंने बता ही दिया फ्रेंड्स, इसका बिहेवियर जो है काम बिहेवियर है, मतलब थोड़ा शांत, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है। पर ब्रीडिंग के टाइम में थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाते हैं, ब्रीडिंग का टाइम होता है तभी एग्रेसिव हो जाते हैं। मैं तो इसका जो बिहेवियर है ज़्यादा मतलब अच्छा बिहेवियर है, मतलब ज़्यादा फिशेज में अटैक नहीं करती है। तो सिकलेट के साथ भी आप इनको रख सकते हैं। जैसे सिकलेट भी छोटी सिकलेट, जैसे जो हमारी अमेरिकन सिकलेट के साथ नहीं, आपको अफ्रीकन सिकलेट के साथ इसको रखना है, जो छोटी होती है इसी के साइज़ की। तो बड़ी सिकलेट्स के साथ जैसे ऑस्कर और ये हमारा हॉर्न, इन सब चीज़ के साथ इसको नहीं रखना, क्योंकि वो लोग इसको फिर दिक्कत करेंगे उसको, क्योंकि साइज़ इसका ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। तो बड़ी मछलियों के साथ में इसको नहीं रखना है। सिकलेट जैसे बनाना फिश हमारी जो होती है, अमूना स्पीसीज की जितनी भी फिश हैं, आप इसके साथ इसको रख सकते हैं। बाकी ब्रीडिंग की फ्रेंड्स, इसको ब्रीडिंग के लिए सबसे अच्छी फिश है, इजी फिश है, इसकी ब्रीडिंग जो है सबसे इजी है। आप लेके आइए और 2-4 फिश, आप 4 फिश लेके आए, अगर आपका एक पेयर बन गया तो ये इतने बच्चे देंगे कि उसमें मतलब आपका वो चलता ही रहेगा। तो अपने बच्चे खाते भी नहीं, अपना अच्छे बच्चे अच्छे से केयर करती है, तो पूरा अच्छे से ये फैमिली बनाने वाली फिश है। तो अपना आप लाएंगे और ये ब्रीड कर लेंगे। तो ब्रीडिंग के लिए आप इसके वो नीचे, हाँ सबसे मेन चीज है टैंक जो आप इसका बनाएंगे, उसको टैंक में जो है हाइडिंग स्पेस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फिश पैरेट फिश जो है यही स्पीसीज की है, ये हाइब्रिड है, तो इसको भी जो पैरेट फिश की तरह जो है इसको हाइडिंग स्पेस होना बहुत जरूरी है टैंक में। जगह जगह से आप देखें, थोड़ा पत्थर आप डेकोरेशन में ऐसा कुछ बनाइए कि उसमें आपके टैंक में हाइडिंग स्पेस होना बहुत जरूरी है। ब्रीडिंग में एक बात और बता दूँ, जैसे अगर आप अपने घर में ये फिश लेके आते हैं, तो अगर ये फिश एग्स देती है, जैसे एग्स देती है, तो उसके 3-4 दिन बाद वो एग्स हैच हो जाते हैं और उसके बाद वो बच्चे बाहर निकलते हैं। तो आप सबसे पहले एक काम कीजिए, कैसे न कैसे उस एग्स को एक अलग सेपरेट कर लीजिए, क्योंकि अगर आपके जैसे अगर आप कम्युनिटी टैंक हैं, जैसे और भी सिकलेट्स हैं, तो अगर ये इसने
उसमें एग्स दे दिए, तो थोड़ा ब्रीडिंग के टाइम में ये फिश क्या है ना कि दूसरी फिशेस के साथ में थोड़ा ब्रीडिंग में के टाइम में क्या है ना ये फिश क्या है दूसरी फिशेस के साथ में थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाती है। तो प्रॉब्लम फिर क्या होगा, देखिए आपके एक्वेरियम में फाइटिंग होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि क्या है जैसे सारी सिक्लेट फैमिली जो है थोड़ा हायरार्की बना के रखती है अपना अपना, तो ब्रीडिंग के टाइम में थोड़ा सा एग्रेसिव होगी तो आपका जो टैंक का जो मेन हेड है उसके साथ भी एग्रेसिव हो जाएंगे, तो फिर प्रॉब्लम होगी मे बी कि आपके टैंक में थोड़ा सा माहौल बिगड़ सकता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा, मैं यही करता हूँ कि कोई भी फीड जो फिश होती है तो मैं जैसे ब्रीडिंग होती है तो उसको एक अलग टैंक में, एक छोटा टैंक मैंने बनाया हुआ उसमें मैं शिफ्ट कर लेता हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है। हम सोचते हैं कि नॉर्मली होता क्या, यही सोचते हैं कि यार चलो इसी में ही बच्चे बड़े हो जाएंगे। मेरा भी काफ़ी टाइम यही एक्सपीरियंस, खराब एक्सपीरियंस रहा है कि मैं जो फिशेस को टैंक में ही छोड़ देता था तो वो फिश क्या होता था थोड़ा सा बड़े होते थे, फिर उसके बाद में जो बेबी बच्चे होते तो इधर उधर, जब तक छोटे इनके बेबी जो छोटे होते हैं तब तक तो ये अपने माँ बाप की सुनते हैं, जैसे हमारे मेंस वुमेंस ये ह्यूमन में होता है। तो जैसे ही थोड़ा सा बड़े होता है तो बच्चे इधर उधर चले जाते हैं, तो क्या होता क्या है बोलते हैं ना, जैसे मैं भी फिर होता क्या, दूसरे जो सीक्रेट फिश होती है, दूसरे इसकी जो होती है वो उन बच्चों को खा लेती है। तो यही है, इसमें फिश अपने बच्चों को ये नहीं बोल पाती बेटा बाहर मत जाना, नहीं तो जैसे हमारे बचपन में बोलते थे बाहर मत जाना नहीं तो गब्बर आ जाएगा, तो ये फिशेस अपने बच्चों को ये नहीं बोल पाती कि बाहर मत जाना नहीं तो गब्बर खा जाएगा, तो इसलिए इसके जो फिशेस हैं वो सब मछलियाँ खा जाती। इसलिए ये फिश करें तो क्या करना चाहिए, हमें इनके जो एग्स को जो इसके छोटे बच्चे हैं उनको अलग से एक टैंक में शिफ्ट कर लेना चाहिए। मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि हमें इजीली जो है क्या होता है ना कि जो बच्चों को टैंक से बाहर निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, ये कैसे करना है इजीली, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ। अभी तक के लिए बाय बाय दोस्तों, स्टे ट्यून्ड।